आप सभी का स्वागत है यम्मी टम्मी कैफे में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वेज हक्का नूडल्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेज हक्का नूडल्स बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने एकदम फुल ऑफ वेजिटेबल्स बनाया है और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक पैकेट मैंने यहाँ पे हक्का नूडल्स का लिया है। तो यहाँ पे पहले हम वाटर बॉइल कर लेते हैं। जब हमारा पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। अब मैंने पानी जब हमारा उबलने लगा है तो इसमें मैंने एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। देखिए हमारे पानी में उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें जो हमने एक पैकेट वेज हक्का नूडल्स का लिया है वो डालेंगे और इसे उबलने देंगे। इसमें हमें ज्यादा हाथ नहीं लगाना है, हल्के हाथों से ही इसे खोलेंगे जिससे कि हमारे पूरे नूडल्स साबुत साबुत बड़े बड़े रहें। जैसे ही उबलने लगेगा ये खुद से अलग होने लगते हैं। इसे मैंने 2 से 3 मिनट और पकाने दूंगी जिससे कि अच्छे से उबल जाए। ये ध्यान रखिएगा जब आप नूडल्स उबालें तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अगर पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो नूडल्स चिपकने लगते हैं। देखिए हमारे नूडल्स एकदम रेडी हैं, अच्छे से बॉयल हो गए। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे हम। अब मैं इस पर ठंडा पानी डालूंगी। इसे डालने से हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। अब हम इस पर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप हल्के हाथों से ही मिलाएं जिससे कि आपके नूडल्स टूटे ना। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जहाँ पे मैंने एक पैन लिया है उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाला है वेजिटेबल ऑयल। अब मैं सबसे पहले इसमें गार्लिक डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 गार्लिक की कली ली थी और उसे चॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 छोटा प्याज लिया है, उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब उसे भून लेंगे इसमें। जब हम वेज हक्का नूडल्स बनाते हैं तो हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं होता, थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स रहनी चाहिए, उतना ही पकाना है। तो अब मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे आधी गाजर ली थी जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया। इसे मैं इसे पहले इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ी सी कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं 1/2 छोटा कप के बराबर। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे अपने मनपसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च लिए, उसे भी स्लाइसली काट लिया है स्लाइस में। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैंने 2 बेबी कॉर्न्स लिए हैं और उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने फ्रोजन बेबी कॉर्न्स लिए हैं तो इसलिए मुझे उसे पकाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 मशरूम के पीसेस लिए थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें कैबेज डालूंगी। 1/2 छोटे कप के बराबर मैंने कैबेज लिए यहाँ पे और इन सारी वेजिटेबल्स को हम भून लेंगे अच्छे से। मैंने इस रेसिपी में
मिर्ची का कम इस्तेमाल किया है जिससे कि बच्चों को ये अच्छी लगे और उन्हें तीखा भी ना लगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, एक तिहाई चम्मच से थोड़ा कम, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे सोया सॉस और एक छोटी चम्मच के बराबर यहाँ पे मैंने व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है, एक चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे हरी मिर्च सॉस डाल रही हूँ, ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ और रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। क्योंकि ये मेरी छोटी चम्मच है तो इसलिए मैं इसे दो बार डाल रही हूँ, तो ये एक चम्मच के बराबर हो गई। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल किए थे उसे डालेंगे। और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, इन्हें आप हल्के हाथों से ही मिलाएं। नूडल्स तो सबको पसंद आने वाली डिश है और हक्का नूडल्स बनाएंगे तो बच्चों को वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। हम दोनों हाथों की मदद से मिलाएंगे अच्छे से जिससे कि हमारे नूडल्स टूटे ना। जेंटली आप इसे मिलाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस और थोड़ी सी टमाटो रेड चिली सॉस डालूंगी। हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसे टॉस करेंगे। देखिए वैचक का नूडल्स बनके एकदम तैयार है। अब अच्छे से मिल गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमारे हक्का नूडल्स खाने के लिए तैयार हैं। आप वेजिटेबल इसमें अपने पसंद की डालें। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने कमेंट नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।